नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर कारवाला नाम से खुले इस प्रतिष्ठान का पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद ने फीटा काटकर उद्घाटन किया। नगर के नरौली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जुरार अहमद ने कारवाला नाम से कार की एसेसरीज व डेकोरेट की दुकान खोली। दुकान में कार के संबंधी सभी प्रकार के सामान और कार के साथ सज्जा के लिए लगने वाले सभी सामान उपलब्ध है। शुक्रवार को कारवाला दुकान का पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अली ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने दुकान के प्रोपराइटर जुरार खान को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां उचित रेट में कार के सामान और साज सज्जा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही है, इस तरह के रोजगार से ही युवाओं को उम्मीद है। वहीं विधायक नफीस अहमद ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी अब कार वाले के प्रोपराइटर जुरार को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि दुकान पर उचित रेट के सभी सामान उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। ये अच्छी बात है कि ये देश में नौकरी तो मिलने वाली नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर भाजपा की सरकार में बढ़ गई। आज जोरार भाई जो समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, आज इनके प्रयास से एक अच्छी इन्होंने ये कार का जो इन्होंने शुरुआत किया है, इसकी जो सामान वामान जो बिकेगा इसमें अच्छी दुकान, ये नरौली का जो बाजार है ये मोटर गाड़ियों का ही सामान मिलता है, इसलिए हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं है कि किसी को नौकरी दे। हमारे यहाँ विधायक जी भाई, हमारे आदरणीय नफीस भाई हैं, सभी लोग आज हम लोग आ करके इस बीच में इनको साथ देने के लिए आए हैं कि आपने सराहनीय काम किया है, हम आपको बार बार आपको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी सरकार ने तो रोजी रोटी बर्बाद कर दिया। किसान कानून देख ही रहे हैं कि पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अन्नदाता की बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मगर कि अन्नदाता के लिए अगर आप कानून बना रहे हो, उनको नहीं पसंद है तो आप कर लो, वापिस कर लो। वो नहीं चाहते कि हमें ये कानून चाहिए। तो इस तरह से हर नौकरी, हर विभाग की नौकरियां जो है ये प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, तो सरकारी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। तो जो लोग पढ़ लिख के बेकार है तो अपना रोजी रोटी ये कहीं सहारा है कि अपना दुकान खोल करके कोई न कोई व्यवस्था करके अपनी रोजी रोटी चलावाए, आप परिवार का भरण पोषण करें। चकार वाला के प्रोपराइटर जनाब जुरार खान साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और ये बहुत अच्छी इन्होंने शॉप कार डेकोरेशन की एसेसरीज की खोली है, जिससे आजमगढ़ में और वेरिएशन से लोगों को मिलेगा सामान, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोगों को अच्छा सामान और अच्छे रेट पे देने का काम करेंगे। फिर से मैं एक बार इनके छोटे भाई और जुरार खान साहब को बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।